गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल आरसी ब्लॉग। और अभी हम हैं जीटी रोड पे और फिलहाल लोकेशन है हमारा सासाराम। और अभी हम जा रहे हैं जब घूमने, जो आगे एक पहाड़ है वहाँ पर एक मंदिर है, और पता नहीं किस चीज़ का लेकिन मंदिर है, बहुत ज़बरदस्त मंदिर है। और वहाँ जाएंगे और आपको वहाँ दिखाएंगे और वहाँ एक्सप्लोर करेंगे कुछ मेमोरी को। तो चलते हैं। और हमारे साथ हैं दो मित्र, एक विकास जी एंड एक प्रदीप जी, जो हमारे साथ जा रहे हैं। इसे हमें पता तो है नहीं, ये विकास जी हमें ले जा रहे हैं वहाँ पर, और काफ़ी अमेजिंग व्यू है। जैसा कि रोड है, काफ़ी ज़बरदस्त रोड है, और यह दिल्ली और कोलकाता हाईवे है। और ये हमारे दोस्त आगे निकल रहे हैं, जो ये दिल्ली कोलकाता हाईवे है, जो शेरशाह सूरी ने बनाया था इस हाईवे को। तो मैं बस लिटिल नॉलेज है। और यहाँ से हमें दिख रहा है और काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं हम यहाँ से, अभी 2 किलोमीटर की दूरी पे। अरे वाह वाह वाह, मज़ा है। खाली रोड है, मज़े ले रहे हैं। और नीचे प्रदीप जी वीडियो बना रहे हैं, अभी हम तो चढ़ गए ऊपर और नीचे कूड़े कर रहे हैं। ओ हट जा हट जा हट जा, ओ ओ माय गॉड, ब्रेक मारते 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 मारते। लेकिन बहुत खतरनाक था ये। ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा पहले एक एक्सीडेंट हो गया अभी। तो भैया हम फाइनली हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पर, और ये सामने पहाड़ के नीचे ये तालाब है, और हमारी गाड़ियाँ यहाँ लगी हुई हैं। और ये ऊपर का व्यू शानदार है भाई, अमेजिंग व्यू आ रही है। और चलते हैं हम लोग ऊपर और वहाँ का नज़ारा देखेंगे, कैसा व्यू है, क्या है क्या नहीं है। मेरी ये फर्स्ट बार, मैं फर्स्ट बार पहुंचूंगा। नहीं, काफ़ी काफ़ी खूबसूरत जगह है ये। अभी ये जो देख पा रहे हैं मेन दरवाज़ा, और दरवाजे के ऊपर देख रहे होंगे, और ये साइड का कुछ भी हुआ, और ये दरवाजे के ऊपर देख रहे होंगे लिखा है चंदनगिरी पर्वत प्राचीन शिव मंदिर त्रिनेत्र गुफा। जो इसके ऊपर गुफा है वो त्रिनेत्र गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। और हम अभी ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि है क्या, लेकिन काफ़ी नीचे से काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और विकास जी और ये हमारे दोस्त प्रदीप जी, जो हमारे साथ चल रहे हैं। नीचे से तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और उम्मीद है कि ऊपर से भी काफ़ी खूबसूरत लगेगी। और यहाँ पर जैसे बोलबम का, हमारे यहाँ बोलबम का इतनी सारे शूटिंग्स होते हैं, लगभग इस एरिया के में यहाँ ही शूटिंग होता है, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत जगह है। और ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। वाह लवली मैन, वाटर ने ब्यूटी। विकास जी और प्रदीप जी जा रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, थोड़ा फ़ोटो वोटो लेंगे। जितने सारे फ़ोटो क्लिक करेंगे हम इंस्टा पे डाल देंगे, और इंस्टा आईडी आपको नीचे आपको दे देंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त लोकेशन है। इसके ठीक बगल में चांद शहीद नाम का एक जगह है, जो ठीक पहाड़ के ऊपर है। और ये सामने वाला मंदिर, और ये
थोड़े ऊपर आने के बाद ये हमारे संकट मोचन महावीर जी का मंदिर मिला, और अभी लगता है अभी आधा भी चढ़ना है ऊपर। और यहाँ हमने फोटो शूट किया, और ये हमारा शानदार जो नीचे तालाब देख पा रहे थे वहीं, वो हमारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, बहुत कम छोटा छोटा दिख रहा है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, अल्टीमेट है। और ये सीढ़ियाँ, यहाँ खास बात है कि सीढ़ी है अवेलेबल, इसे कोई दिक्कत हो रही नहीं। और यहाँ पर बहुत सारे गुफा यहाँ देखने को मिला आस पास में भी, और हम जो हैं अभी गुफे के पास लगभग अप्रोक्सली पहुँच चुके हैं, और 15-20 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे पहुँच जाएंगे। और आपको दिखाते हैं साइड के भी, देख पा रहे हो ये तालाब, और ये सामने गुफा वाला मंदिर हमारा शंकर जी का। तो हम कैमरा को हम नहीं ले जाएंगे मंदिर के अंदर, क्योंकि अलाउड होता नहीं है, तो इसलिए हम नहीं जाएंगे, बाहर से ही आपको दिखाएंगे। ये विकराल महाकाल का तस्वीर बना हुआ है, और ये छोटा सा गुफा, ये सब लंगूर है। मिल लिए उनसे, आइए शंकर जी से भेंट कर ले। सब सामान यहाँ रखते हैं। और यहाँ से एंटर करते, जय हो। फाइनली वाकई खूबसूरत है ये मंदिर, और ये लग रहा है समझ में नहीं आ रहा ये क्या खतरनाक है भाई। जाएंगे हम यहाँ से, हम लोग काफ़ी यहाँ मज़ा किए, और रिकॉर्डिंग हमारे प्रदीप जी कर रहे हैं, और हम लोग काफ़ी यहाँ मज़े किए। और यहाँ के बाद हम जा रहे हैं पायलट बाबा के आश्रम है, वहाँ पे काफ़ी सुने हैं बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है, वहाँ जाएंगे, वहाँ ही कुछ नॉलेज को इकट्ठा करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।